हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, PIB, न्यूज़ ऑन एआर, दैनिक जागरण के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम बेसिकली यहाँ पे कवर करते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है ईस्ट एशिया समिट और आसियान के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी हमारे कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, उन्होंने 6th जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था उसको अटेंड किया। इसके साथ ही 15वां इंडिया आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी सिंगापुर में, उसको उन्होंने अटेंड है वो किया, तो उसको लेकर कंटेक्स्ट है वो अभी आया है। तो हम अभी इस चीज़ के बारे में फैक्ट है वो देखते हैं। पहले तो हम जानेंगे यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट के बारे में, इसके बाद में हम जानेंगे यहाँ पे आसियान के बारे में और क्या क्या इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के नज़रिए से, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ईस्ट एशिया समिट की बात हम करें तो देखो, 6ठा ईस्ट एशिया जो समिट था इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी वो बेसिकली सिंगापुर के द्वारा होस्ट है वो की गई थी, क्योंकि जो आसियान की, और आपको बता दूं कि आसियान और ईस्ट एशियान समिट है वो दोनों आपस में इंटरलिंक है। कैसे लिंक है वो अभी हम अच्छे से डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ईस्ट एशिया समिट के बारे में देखते हैं। देखो, ईस्ट एशिया समिट के अंदर सबसे पहली बात है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर हैं। तो इसके मेंबर वो हैं 10, तो आसियान कंट्री के मेंबर हैं, प्लस 8 कंट्री अलग से मेंबर हैं, 8 कंट्रीज़ के अलग से डायगोनल पार्टनर हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान है वो रखनी है। अब ये आठों हमें ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि इंडिया देखो इसका मेंबर है, तो इसलिए काफ़ी अहम हो जाता है। मतलब ईस्ट एशिया समिट होता है तो उसका इंडिया मेंबर है, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान है वो रखनी है। तो पहले तो हम इन दोनों में डिफरेंस सा ही देख लेते हैं यहाँ पे कि ईस्ट एशिया समिट के मेंबर कौन कौन से हैं और बाकी के मेंबर कौन कौन से हैं। तो पहले देखते हैं आसियान के, आसियान की बात करें तो 10 कंट्रीज आती हैं। सबसे पहले हमारा पड़ोसी देश स्टार्ट करते हैं म्यांमार से, इसके बाद में आता है थाईलैंड, और थाईलैंड के ऊपर जस्ट यहाँ पे लाओस है, लाओस के जस्ट पास यहाँ पे वियतनाम है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लाओस है वो कम्प्लीट लैंडलॉक कंट्री है, और यहाँ पे है कम्बोडिया, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। कम्बोडिया के बाद में इसका मेंबर आता है वो आता है यहाँ पे मलेशिया, मलेशिया के बाद में यहाँ पे इसका मेंबर आता है सिंगापुर, सिंगापुर के बाद बात करें इंडोनेशिया, जो कि छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड है, छोटे छोटे आइलैंड्स में, ये देखो मैक्सिमम जो हिस्सा यहाँ पे इंडोनेशिया का ही है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे, ये है ब्रुनेई, छोटी सी जो कंट्री आपको दिख रही है ये वाली, और इसके साथ ही हम बात करें फिलीपींस, ये फिलीपींस है, और ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है कि ये 10 कंट्री हैं, ये बेसिकली आसियान के मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस और ब्रुनेई, ये 10 कंट्री आसियान के मेंबर हैं। अब हम बात करें ईस्ट एशिया समिट की, तो ईस्ट एशिया समिट में 8 कंट्री और ऐड हो जाती हैं। ये तो यहाँ पे हो गई हैं ये सारी कंट्रियाँ। तो यहाँ पे देखो, आपको ऐसे याद रखना है कि 3 कंट्री तो यहाँ बेसिकली ऊपर से याद कर सकते हो, एक तो हो गया चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है, 3 हो गई आसियान प्लस 3 के नाम से भी जिन्हें जानते हैं। बात करें हम आसियान प्लस 6 के नाम से, तो वो 3 कंट्री और आती हैं, कौन कौन सी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और अब 2 कंट्री और रह गई हमारी, क्योंकि टोटल हमें 8 कंट्री करनी है, तो 2 कंट्री ये ध्यान रखनी है, USA और रसिया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ईस्ट एशियन समिट होता है उसके अंदर टोटल 18 कंट्री हैं। कौन कौन सी? 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 कौन सी हैं? 10 तो हो गई हैं आसियान की, जो सी भी हमने डिस्कस की, इसके बाद में आती हैं 8 में कौन कौन सी आ गई? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और इधर नीचे से आप स्टार्ट कर लेना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और 2 कंट्री कौन कौन सी रहेगी? रसिया और एक्चुअली USA। तो इस तरीके से आप इन 8 कंट्रीज को याद है वो रख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, बात ऐसी है कि जो 8 कंट्रीज ने इसमें पार्टी, मतलब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, या बोल सकते हो कि इन्होंने अपनी यहाँ पे मीटिंग में अपना हिस्सा है वो लिया। अब बात करते हैं कि ईस्ट एशिया समिट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकल के आई और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखो, इंडिया के लिए आपको बताया कि आसियान कंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हमें आसियान का बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली हम आसियान कंट्रीज़ के मेंबर नहीं हैं, बट फिर भी आसियान के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें आसियान के बारे में पता होना चाहिए। ईस्ट एशियन समिट की बात करें तो ये देखो, बेसिकली इस बार की जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर फोकस किया गया कि जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं इससे हमें कैसे निपटना है, इसके साथ ही आपस में जो इंटरलिंक है, लिंकेज हैं वो हमें बढ़ाना है, और बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना है ताकि जो आपसी में बिजनेस है उसको और ज़्यादा प्रमोट है वो किया जा सके। इसके साथ ही जो डिजिटल इकोनॉमी है उस पर यहाँ पे फोकस है वो किया गया था कि भाई इकोनॉमी उसको डिजिटल बनाया जाए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ फोकस करने की बात यहाँ पे की गई, और रीजनल और ग्लोबल वैल्यू चेन क्रिएट करने की बात की गई ताकि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट थे इनको और ज़्यादा सुदृढ़ है वो बनाए जा सके। तो ये सब बेसिकली इसमें बातें वो हुई थी। अब हम बात करें ईस्ट एशियन समिट के बारे में बेसिक चीज़ें या बैकग्राउंड की, तो एक तो ये चीज़ फैक्ट है कि ईस्ट एशियन समिट की जो मीटिंग होती है वो एनुअली होती है। इसके मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक तो साउथ एशिया की कंट्री मेंबर हैं, एक ईस्ट एशिया की कंट्रीज मेंबर हैं, इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो भी बेसिकली इसके मेंबर हैं, वो आती हैं।
और ऑल ओवर अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो वह वर्ल्ड की लगभग 50% पॉपुलेशन को है वो मतलब कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, और 20% जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं आसियान कंट्रीज के या सॉरी ईस्ट एशियान समिट कंट्रीज के बीच में ही बेसिकली होता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान में वो रखने हैं। अब बात ऐसी है कि ईस्ट एशियान समिट की जो पहली मीटिंग थी, जो पहला समिट था वो हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में 2005 में। बेसिकली ईस्ट एशियन समिट है वो स्टार्ट हुए थे, इसके बाद लगातार हर साल बेसिकली आयोजित हैं वो किए जाते हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी वो बेसिकली हुई थी 6th ईस्ट एशियन समिट की, इकोनॉमिक जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी। तो ये फैक्ट भी हमें कंटेक्स्ट ध्यान रखते हुए आगे चलना है। और बेसिकली ईस्ट एशियन समिट का काम यही होता है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, पॉलिटिकल जो कोऑपरेशन है उसको सपोर्ट किया जाए और सिक्योरिटी को एनहेंस या इम्प्रूव किया जा सके। इसके साथ ही इस बार 6 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। कौन कौन सी 6 सेक्टर्स हैं? एक तो इन्वायरमेंट और एक एनर्जी, इसके साथ ही एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, डिजास्टर और आपस में जो कनेक्टिविटी है आसियान कंट्रीज के बीच में उसको इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस है वो किया गया था। एक फैक्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट सेशन हुआ था 2017 में सॉरी जो 12th ईस्ट एशियन समिट था वो बेसिकली मनीला में हुआ था। और वहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है हमारे लिए, वो आता है बेसिकली मनीला एक्शन प्लान के बारे में, मनीला प्लान ऑफ एक्शन। तो मनीला प्लान ऑफ एक्शन था वो बेसिकली मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर था, क्योंकि देखो अगर यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के थोड़ा पूछ लेती है तो हमें पता होना चाहिए, ऑप्शन दे देगी वहाँ पे कि है बेसिकली टेररिज्म से निपटने के लिए, डिजास्टर से निपटने के लिए, मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो जी वहाँ पे हमें करेक्ट करना है कि मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेके मनीला प्लान ऑफ एक्शन है वो 2017 में मनीला में जो ईस्ट एशियन समिट हुआ था उस दौरान फाइनल है वो किया गया था। तो इस तरीके से फैक्ट्स वगैरह थोड़े हमें ध्यान रखते हुए यहाँ पे चलने हैं, क्योंकि देखो हमारे पड़ोसी देशों के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पे हमारे लिंकेज हैं डायरेक्ट, वहाँ पे कुछ भी हलचल होती है तो उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम चलते हैं आसियान की तरफ। आसियान की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 10 कंट्रीज बेसिकली इसके मेंबर हैं। कंटेक्स्ट अभी हमने डिस्कस ही किया था कि 15वां इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं और आसियान और इंडिया के, लेकिन उनकी मीटिंग हुई थी अभी सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर में ही मीटिंग हुई है तो वहाँ पे बेसिकली फोकस इस चीज़ पे किया गया था। और अहम बात यह है कि जो आसियान के जो इस बार चेयर की बात है कि आसियान की चेयर किसके पास है, तो वो इस बार सिंगापुर के पास है। हर साल क्या होता है, देखो आसियान की जो मीटिंग होती है ना वो किसी न किसी कंट्री के पास होती रहती है। तो इस बार का जो हिस्सा था, आप बोल सकते हो कि 2018 की जो मीटिंग होने वाली है वो सारी की सारी सिंगापुर में ही होनी है। तो इसलिए ये फैक्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2018 में आसियान की मीटिंग वगैरह कहाँ पर हुई थी। इसके साथ ही 2018 के अंदर अभी रिसेंटली नवंबर के अंदर इंडिया आसियान बिजनेस समिट भी होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर होगा? वो होगा कुआलालंपुर मलेशिया में। तो ये फैक्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया आसियान बिजनेस समिट है 2018 का, वो नवंबर में कुआलालंपुर में होने वाला है। थीम क्या रहेगी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम है टुवार्ड्स बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन आसियान एंड इंडिया इन द एरा ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड डिजिटल इकोनॉमी। मतलब आपस में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इम्प्रूव करते हुए आसियान और जो इंडिया है वो एक्चुअली 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे और डिजिटल इकोनॉमी को उन्हें सपोर्ट करते हुए आगे है वो चलना है। तो ये तो है इस बार की थीम। अब हम बात करें आसियान के बारे में, तो देखो बेसिकली जो आसियान ग्रुप है वो स्टार्टिंग में 1967 में बनाया गया था। उस टाइम पे आपको पता है कोल्ड वार चल रहा था, और कोल्ड वार के दौरान पे जो ये कंट्रीज थी मतलब आसियान कंट्रीज, इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो आपस में शांति के लिए बेसिकली ये जो आसियान ग्रुप है ये बनाया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान है रखने की, भाई आसियान ग्रुप है वो बनाया क्यों गया था बेसिकली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसका काम फोकस क्या, मेन डायमेंशन। देखो इसकी मेन डायमेंशंस हैं वो होते, एक तो होती हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अहम बात तो ये है, मतलब यह पॉलिटिकल तरीके से काम करता है और इकोनॉमिक तरीके से भी बेसिकली काम है वो करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके बेसिकली काम करता है, इसके साथ ही रीजनल स्टेबिलिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान काफ़ी इंस्टेबिलिटी हो गई थी इस वाले क्षेत्र में जो आसियान वाला एरिया, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली आसियान का निर्माण है वो किया गया था 1967 में। तो यहाँ पे देखो आपको 2-3 फैक्ट्स तो ये ध्यान रखने हैं कि आसियान में कौन कौन सी कंट्री हैं वो आती हैं, इसके साथ ही आसियान प्लस 3 में कौन सी आती हैं, आसियान प्लस 6 में कौन सी आती हैं और आसियान प्लस 8 में कौन सी आती हैं। आसियान के अंदर 10 कंट्रीज हैं ऐसी कैसी, आसियान दो हमने डिस्कस की, आसियान प्लस 3 के अंदर हमें ध्यान रखना है चाइना, जापान और साउथ कोरिया। और आसियान प्लस 6 में क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया, जापान, चाइना तो हो गए, इसके साथ में 3 और ऐड करनी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
और प्लस ऐड में क्या करना है, दो कंट्री और ऐड करनी है, यूएसए और रसिया। तो इस तरीके से हमें सारे इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं वो हमें ध्यान है वो रखने हैं, क्योंकि इनमें इंडिया मेंबर है तो काफ़ी अहम ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया वो केरला में जो फ्लड आई है अभी उसको लेके आया है कि केरला के अंदर फ्लड आई तो काफ़ी टाइम तक पानी जमा रहा, तो वहाँ पे एक एक्चुअली बैक्टीरिया जनित एक डिजीज़ है, बीमारी है, वो फैलने लगी। तो उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिसेंटली इसका प्रकोप वगैरह कहाँ पे था। तो डिजीज़ का नाम हमें ध्यान रखना हुआ है लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये लेप्टोस्पायरोसिस जो बीमारी है ये बेसिकली बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है और ये जानवरों से इंसानों में फैलती है, ह्यूमन टू ह्यूमन इसका मतलब जो आप बोल सकते हो कि संक्रमण है वो इन्फेक्शन है वो नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है इसमें, इसमें नॉर्मल फीवर वगैरह होती है, बॉडी में पेन वगैरह होता है, और अगर बहुत ही हाई कंडीशन में ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है उस कंडीशन में बेसिकली जो बॉडी के पार्ट्स वगैरह वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, देखो वहाँ पे जो फ्लड वगैरह आई थी तो उस दौरान जो भी चूहे वगैरह या जानवर एनिमल्स थे जिनमें एक्चुअली ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला हुआ था उनसे एक्चुअली पानी के थ्रू इंसानों में फैलने लग गया, तो उसकी काफ़ी बड़ी समस्या सामने देखने को मिल रही है। तो यूपीएससी बेसिकली केरला फ्लड और ये लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज के बारे में ऐसे ही पूछ सकती है जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा। ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन नहीं होता है, ह्यूमन टू एनिमल भी नहीं होता है, एनिमल टू ह्यूमन होता है, बस ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है हमारा वो आया है वेस्टर्न घाट को लेके। देखो वेस्टर्न घाट को लेके काफ़ी सारी कमेटियाँ आई हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, और यूपीएससी ने इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चंस भी पूछे हैं डायरेक्टली, जैसे कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, गडगिल कमेटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो वेस्टर्न घाट है, एक तो उसकी लोकेशन काफ़ी अहम है, और इंडिया के नज़रिए से अगर हम देखें तो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया के तौर पे वेस्टर्न घाट को जाना जाता है, जो कंप्लीट तरीके से इंडिया में फैला हुआ है। अब देखो एक तो इसमें इको सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं। इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है, इको सेंसिटिव जोन का मतलब ये होता है कि वो एरिया वेस्टर्न घाट का जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बैन की हुई है, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव है। अगर वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मतलब सपोर्ट किया गया तो कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी है वो मतलब गड्ढे में गिर जाएगा, उसका नुकसान है वो हो सकता है। तो इसीलिए वेस्टर्न घाट में काफ़ी सारे इको सेंसिटिव जोन है वो बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी एक तरीके से माइनिंग वगैरह नहीं हो, डैम वगैरह नहीं बनाए जा सकें, या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ना हो जिससे कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान है वो पहुँच सकें। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो मैक्सिमम स्पीसीज हैं, बहुत ज़्यादा स्पीसीज आप बोल सकते हो, वो बेसिकली वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं। जब भी कोई नई स्पीसीज की डिस्कवरी वगैरह होती है तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा पाई जाती है। देखो एक तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं, एक तो वेस्टर्न घाट में है ना जो समर के टाइम पे बारिश होती है, या बोल सकते हो मानसून के टाइम पे जो भी हो रही है उस टाइम पे भी बारिश होती है, विंटर्स में भी इसको पानी मिलता रहता है, तो मतलब बायोडाइवर्सिटी इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी है वो है। यहाँ पर दो कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनकी रिपोर्ट्स भी आई थी, एक तो आई थी गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी ने भी यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन को बनाने की बात है वो कही थी, उन्होंने कहा था कि माइनिंग है, डैम वगैरह बनाना है, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह क्रिएट करना है, ये सब इस एरिया में बैन है वो होना चाहिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का नुकसान बहुत ज़्यादा इस एरिया में लगातार बढ़ता जा रहा है इलीगल माइनिंग वगैरह से। एक थी यहाँ पे कस्तूरी रंजन कमेटी। तो कस्तूरी रंजन कमेटी आई थी बेसिकली 2011 में, और इस कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी कि भाई इको सेंसिटिव जोन है वो क्रिएट किया जा सके, ताकि वेस्टर्न घाट के एरिया में कोई भी एक तरीके से एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए जिससे कि जानवरों को नुकसान हो या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को लॉस है वो हो सके, ये चीज़ हमें ध्यान और रखनी है। इसके बाद में वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था। तो वेस्टर्न घाट बेसिकली 6 स्टेट में फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इन 6 स्टेट में वेस्टर्न घाट है वो फैला हुआ है, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया यहाँ पे है। चलो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इराविकुलम नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना कि कौन से स्टेट में है और क्यों यह पॉपुलर है, न्यूज़ वगैरह में ऑलमोस्ट ये रहता ही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट यह है कि इंडिया के दो ऐसे पर्सनस हैं जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए एक तरह से चुना है, वो इलेक्ट है, वो किया गया है। एक तो है भारत वतवानी और एक है सोनम वांगचुक। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है। तो 3 इडियट में जिन्होंने एक्चुअली आमिर खान ने जिनका रोल किया था वो थे सोनम वांगचुक, उनके तो मतलब उनको यहाँ पर सम्मानित है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि सोनम वांगचुक जो है यूपीएससी पूछ सकती है मूवी के बारे में भी, तो हमें ध्यान रखना है कि 3 इडियट मूवी है वो बेसिकली इन्हीं को इंस्पायर करते हुए बनाई गई थी।
अब हम रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात है वो करते हैं। देखो बात करें जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो नोबेल प्राइज़ होता है उसी तरीके से एशिया का नोबेल प्राइज़ है वो कौन सा है, वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड। मतलब एशिया के नोबेल प्राइज़ के तौर पे रमन मैग्सेसे अवार्ड को बेसिकली जाना जाता है, और एशिया का है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का अवार्ड हो गया, बे ऑब्वियसली होना ही है। अब हम इसके बारे में और फैक्ट्स भी हम जानते हैं कि यह कब तो इसको स्टार्ट किया गया था, इस अवार्ड को कौन सा रीजंस वगैरह हैं। देखो 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड था, एक ट्रस्ट था, उनके द्वारा बेसिकली इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। और आपको बता दूं कि रमन मैग्सेसे थे वो बेसिकली फिलीपींस के थर्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी याद में बेसिकली ये अवार्ड है वो स्टार्ट है वो किया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या, एशिया का सबसे मतलब हाईएस्ट अवार्ड है, और जो भी इंसान बहुत प्रतिष्ठित या ऐसा काम करता है, अद्भुत काम करता है, उसको बेसिकली इस अवार्ड से नवाजा जाता है। तो अभी रिसेंटली इंडिया के दो पर्सन हैं उनको ये अवार्ड है वो दिया जा रहा है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।